नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और स्वागत करता हूं आपका मीडिया दरबार में। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति का बड़ा क्रेज है, तभी तो देश के महाविद्यालयों में राजनीतिक दल भी एक्टिव हैं और उन्हीं में से एक है एबीवीपी। एबीवीपी का आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, दरअसल बीजेपी का छात्र संगठन है एबीवीपी, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका नारा है ज्ञानशील एकता। खासकर मध्य प्रदेश, जहां एबीवीपी का जलवा ही अलग है, यहां इस संगठन के महामंत्री जी ने ऐसा कृत्य किया जो बेहद शर्मनाक है। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। दोस्तों, इस एबीवीपी में एक से बढ़कर एक ज्ञानी भरे पड़े हैं। प्रोफेसर के थप्पड़ मार देना, उनकी जान ले लेना, आए दिन बदतमीजी करना, ये सब तो बहुत आम सी बात है। उनके सम्मान में ऐसा वहां पर देखने को मिलता रहता है। ऐसी ही एबीवीपी का एक रेपिस्ट पूर्व महानगर मंत्री जमानत पर छूटकर जब बाहर आता है तो पूरे शहर में पोस्टर चिपक जाता है कि भैया इज बैक, मतलब हमारे आदरणीय बलात्कारी भैया जी वापस आ गए हैं। पीड़िता तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिका खुराना के जरिए याचिका दाखिल की। उन्होंने जमानत को निरस्त करने की मांग की और कहा, मिलोड, ये आपने किसको जमानत दे दी, वो तो अपनी शान में शहर में पोस्टर लगवा रहा है भैया जी इज बैक, जैसे बलात्कार का आरोपी ना हो बल्कि महिला सुरक्षा का ठेकेदार हो। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोहली के सामने याचिका पेश की गई। इसमें मांग की गई कि आरोपी शुभांग गोटिया की जमानत रद्द की जाए। याचिका पढ़ते ही जज तमतमा उठे। जस्टिस हीमा कोहली ने पूछा, आप इस जमानत पर किस बात का उत्साह मना रहे हैं, ये भैया जी इज बैक क्या है, इसके लिए कौन सा मौका चुना है आपने, अपने भैया जी से कहिए एक हफ्ते सावधान रहें। याचिका में पीड़िता ने कहा कि हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों को गंभीरता से नहीं देखा, आरोपी के इतिहास पर भी गौर नहीं किया, आरोपी रसूखदार है। दोस्तों, अब मैं आपको पूरे मामले से रूबरू कराता हूं। दरअसल 28 साल के शुभांग गोटिया की दोस्ती 23 साल की छात्रा से 2018 में कॉलेज के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शुभांग उसे कई जगहों पर घुमाने भी ले गया। एक दिन उसने पीड़िता की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, अब वह उसकी पत्नी है, वो जल्द ही सबके सामने उससे शादी करेगा। इसके बाद शुभांग ने कई बार पीड़िता के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। जब वह गर्भवती हुई तो उसे परिवार वालों के साथ मिलकर जबरन गर्भपात करा दिया। जब पीड़िता ने उसे शादी करने की बात कही तो वह मुकर गया। पीड़िता ने जून 2021 में जबलपुर के महिला थाने में शुभांग गोटिया के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद शुभांग फरार हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अंत में जब उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा तो शुभांग ने महिला थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसे नवंबर 2021 में जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी और जनाब बाहर आए तो शहर में पोस्टर लग गए भैया इज बैक। दोस्तों, मैं इतना परिपक्व तो नहीं हूँ कि इस मामले को कानून की तौहीन कह सकूँ, ना ही मैं कोई रसूखदार हूँ जो भैया जी के लिए कुछ बोल सकूँ। भैया जी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं जो कोई कुछ भी बोल सके, लेकिन मेरा भैया जी से आग्रह रहेगा कि जब देश में आप जैसे रेपिस्ट रसूखदार नेता होंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक पाएगा। और ये तो हमने देख ही लिया, कैसे मध्य प्रदेश पुलिस आपकी गिरफ्तारी के लिए हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, कैसे सरकार ने अपना मुंह बंद कर लिया। और भैया जी, आप चिंतित ना हो, देश में और आपके प्रदेश में राम राज चल रहा है। डबल इंजन वाली सरकार है, वो भला आपको कैसे कुछ होने दे सकती है। दोस्तों, आप भी भैया जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।